इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन देश के कई राज्य और शहर टीके की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब आपको ऑल इंडिया वैक्सीन रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई में आज कुल 239 सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इन सेंटरों पर 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को सेकेंड डोज के लिए वॉक इन वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरी डोज लगवाने के लिए सुबह से ही बुजुर्गों की लंबी कतार है। आज ही फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीनेशन प्रोसेस लगातार चल रहा है। मुंबई के नेस्को ग्राउंड में कैसे वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं, बता रहे हैं संवाददाता अतुल सिंह। वैक्सीन की कमी के चलते रविवार को जो वैक्सीनेशन मुंबई में पूरी तरीके से बंद था, आज सोमवार के दिन वापस से शुरू किया गया है। हम इस समय मुंबई के नेस्को ग्राउंड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं। आप देखें, सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई है। लाइन जो है यहाँ पर लगनी करीबन सुबह 6:30 बजे से ही शुरू हो गई है। कुछ लोग अंदर ऑलरेडी गेट के हैं और कुछ लोग अभी बाहर यहाँ पर खड़े हैं, और ये लगातार जो कतार है वो लंबी होती जा रही है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग खड़े हैं वो सीनियर सिटीजन है, 60+ एज ग्रुप के जो लोग हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज जिन्हें मिल रहा है वो वॉक इन करके भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये तीन दिन ऐसे हैं जहाँ सीनियर सिटीजन्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वॉक इन करके भी आ सकते हैं, उन्हें ये सहूलियत दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वैक्सीन की कमी के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से आ रहे हैं? बिहार से क्यों आ रहे हैं? वहाँ पे तो वॉक इन कहीं भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। नहीं भाई, इधर अभी मेरा भाई के घर पे आया, बोला मार देगा तो ठीक है। नहीं मारा। आपने यहाँ पे पहला डोज लिया हुआ है? यहाँ पहला डोज लिया था। यही फर्स्ट फर्स्ट लिया था आपने? हाँ। आप कभी लिए थे? कौन सी तारीख लिया था आपने? 3 मार्च को लिया था आपने। आपका हो चुका है अभी सेकंड लेटर? सेकंड सेकंड डोज लिया है। आप अकेले आए कोई साथ में आए? नहीं, अकेले लेने के लिए। आप लोगों को कहाँ से आ रही हैं? गोरेगांव से। गोरेगांव से आपका से? पहला डोज है कि सेकंड? दूसरा। दूसरा डोज है। कोविशील्ड है तो कोवैक्सीन? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन आप जाके अंदर वैक्सीन लगा सकते हो। कितने आप आए हो? कितना देर हुआ आपको? आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ है। लाइन में आप नहीं लगे? नहीं नहीं है ना, हस्बैंड है। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं गोरेगांव से आ रहा हूँ। मेरे को 45 दिन से ऊपर हो गया है, और मैं इधर आता हूँ तो मेरे को बोलता है ऑनलाइन करने के लिए। पहला मैंने ऑनलाइन नहीं किया, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, तो मेरा ये है मेरा पास, तो ये लोग बोलते हैं कि तुम ऑनलाइन करो। यहाँ पर ऑनलाइन करने गया तो मैं दूसरे से किसी से भी करवाता हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन करो, पर हमारे अड़ानी आदमी लोग हैं, हम लोग कहाँ से ऑनलाइन करेंगे। आज मैं दूसरे को देता तो वो लोग बोलते हैं कि इधर सेंटर तुमको दिखा रहा नहीं है। अभी मैं मेरे पास वैक्सीन किया है, पहला वैक्सीन का डोज ले लिया है अभी दूसरे के लिए। हाँ, यही बस यही वाला। हाँ, तो अभी इसको 84 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। तो आपका पहला डोज 6/4 को लगा है, अप्रैल में लगा है। हाँ, आपको जुलाई के महीने में आना होगा। वो लोग ने क्या बोला था मेरे को? 60 दिन के पहले तुम 45 के दिन के पहले लगा सकते। अभी जो है ना, नया जो गाइडलाइन आया है सरकार की तरफ से, उसमें 45 दिन से बढ़ा के उसको 84 दिन कर दिया गया। 10 दिन हुआ है अभी, तो आपके 84 दिन के हिसाब से आपको जुलाई में आना होगा। जुलाई में आना? आपका अप्रैल में लगा है? अभी नहीं लगेगा। अभी नहीं लगेगा मेरा मेरा मेरा। थैंक यू सर। सर आपका भी, आपका लगेगा? कौन सा चैनल है? हम लोग रजिस्टर भी नहीं किया है तो भी चलेगा ना? रजिस्टर नहीं किया है, हमको आता भी नहीं है, हमारा मोबाइल में आता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, आपको वैक्सीन है ना? को वैक्सीन है, वैक्सीन सेकंड डोज है ना? हाँ, आपका लगेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं सही तरीके से, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल बहुतों के पास नहीं रहता है, इस वजह से उन्हें जानकारी नहीं रहती, और जिसकी वजह से हेल्प करने के लिए यहाँ पर आप देखें गेट पर भी जो अंदर के डॉक्टर्स या जो उनकी टीम है वो भी यहाँ पर खड़ी रहती है, लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं, लोगों को जानकारियाँ देते रहते हैं। और जो लोग जानकारियाँ जिनके पास नहीं भी हैं उनके लिए यहाँ पर आप देखें जो गेट है, गेट के ऊपर भी छोटे छोटे पोस्टर लगा के उसमें सारी जानकारी दी हुई है कि कोविशील्ड को कितने दिन बाद आपको सेकेंड डोज लेना है, कोवैक्सीन के लिए क्या क्राइटेरिया है, सेकेंड डोज वहाँ यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि लिमिटेड डोज है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो काफ़ी लिमिटेड संख्या में मुंबई में और महाराष्ट्र सरकार के पास है, इसी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और आप देखें ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो बुजुर्ग हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। आंटी कहाँ से आई हैं? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।